हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है 9th क्लास का, और काफी ज्यादा मार्क्स का भी वो चैप्टर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर आप लोग अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप रजिस्टर और पेन लेके साथ में बैठिए, ताकि आप साथ के साथ चीजों को समझते रहिए और नोट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नंबर क्या होते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं नंबर्स की, तो हम नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, और इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी तरफ अगर हम आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे सारे नंबर्स को, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये फ्लो चार्ट समझा रहा हूं, तो इसलिए आप फ्लो चार्ट को समझ लो। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रियल नंबर्स दो कैटेगरी में बट जाता है, एक रैशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। हम बात करेंगे कि दोनों नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो रैशनल नंबर्स भी दो कैटेगरी में बट जाता है, फ्रैक्शंस, यानी कि रैशनल नंबर उन्हें ही कहते हैं जो फ्रैक्शंस में होते हैं, साथ ही साथ जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स का पार्ट है। फिर इंटीजर्स को भी यहां पे बांटा गया, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। और आप देख सकते हो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो जीरो से छोटे होते हैं, होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर होल नंबर्स को भी यहां पे बांटा गया, एक जीरो और दूसरा यहां पे अगर हम बांटे तो नेचुरल नंबर्स भी यहां पे आ जाते हैं। यानी कि होल नंबर क्योंकि जीरो से शुरू होता है, तो आप देखो जीरो तो यहां पे मैंने लिख दिया, और जीरो के बाद से जितने भी नंबर स्टार्ट होंगे वो सारे किस में होंगे, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते ही वो हैं जो एक से लेके अनंत तक चलते चले जाते हैं, और होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को थोड़ा सा फ्लो चार्ट का आइडिया लग गया होगा कि हमें किन किन चीजों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, और यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई है, इन सबके बारे में क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे की बातें। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स से, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि जितनी भी काउंटिंग होती है उन सभी को हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 1 होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अब हम अगर बात करते हैं आगे की, तो आगे आता है होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े अगर वो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, अलोंग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो ये बन जाता है क्या, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0, तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं और यहां पे जो जीरो है उनको आपस में एक साथ ले लो, तो एक साथ लेने के बाद जो नंबर्स बनेंगे वो आपके जीरो से लेके एंड तक चलते चले जाएंगे, और उन्हीं को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको होल नंबर सिंपली समझ में अगर नहीं आया तो आप ऐसे कह सकते हो जो जीरो से एंड तक होते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक होते हैं, और यहां पर ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो इनमें कुछ नोट यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले फर्स्ट नोट आप देख सकते हो,
जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। ये नोट इसलिए लिखवाए गए हैं क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज आ चुके हैं आप लोगों के सिलेबस में, तो इसलिए यहां पे आपको हर चीज की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। कहता है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जीरो से लेके एंड तक सारे होल नंबर्स ही होते हैं, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन से लेके, तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं। बट एवरी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर एज जीरो इज अ होल नंबर। लेकिन सारे आप होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह दो, ये बात गलत होगी। सिंपल सी बात है भाई, देखो आप देख सकते हो नेचुरल नंबर उन्हें कहते हैं जो हम एक से लेके इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर उसे कहते हैं जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि इसकी बात हो रही है, एवरी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर्स कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर कहा जाता है, यानी कि वन भी इसके अंदर आ गया। लेकिन बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सही है। एवरी होल नंबर यानी कि हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर हो, ये बात जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर वन से होते हैं, और होल नंबर में एक जीरो भी माना जाता है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो आपका एक होल नंबर होता है जिसे हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते ही हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो आ जाता है और जीरो को हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बात इंटीजर्स की, जिसे Z और I से डिनोट किया जाता है। तो आप देख सकते हो द नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि इसमें साफ साफ बात कह दी गई कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जीरो और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव्स हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा ले ले तो आपके वो इंटीजर्स बन जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहां पे इंटीजर्स की रेंज बताना चाहूं कि कहां से कहां तक हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स जो होते हैं वो आपके इंटीजर्स माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर, ये सारे अनंत तक चलते रहेंगे। इन सबको हम क्या बोलते हैं? फिर इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप एक नोट देख सकते हो जो यहां पे नोट समझाया गया है। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, बट All integers are not whole numbers. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो integers में तो माइनस वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, और आपको पता है कि होल नंबर्स तो शुरू ही जीरो से होता है, तो इसलिए हम सारे होल नंबर्स को इंटीजर्स तो कह सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव्स वैल्यूज भी आ जाती हैं, जो कि हमें होल नंबर्स में रखनी नहीं होती, क्योंकि होल नंबर शुरू ही जीरो से होते हैं। तो यहां पे आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि वो जीरो से लेके अनंत तक चलते हैं। और यहां पे भी इंटीजर्स की डेफिनेशन में भी यही है कि सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गया, लेकिन इसमें एक चीज और आ गई, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव वैल्यूज भी इसके अंदर आ गई।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, कहता है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स ही हैं। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन से लेके अनंत तक, और इनके नेगेटिव वाली वैल्यू कर दोगे तो वो भी वही बन जाती है, माइनस वन से लेके अनंत तक। तो आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी आप लोगों के सारे इंटीजर्स माने जाते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। और यहां पे आपको ये वाला स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, लेकिन सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर्स हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यूज भी आती है जो कि होल नंबर में नहीं होती, क्योंकि होल नंबर में जीरो से लेके अनंत तक की वैल्यू होती है, यानी कि इन्फिनिटी तक की वैल्यूज होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आप एक बार अच्छे से करना इनकी प्रैक्टिस, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखनी है। तो देखिए आपको यहां तक अगर बात समझ में आ गई है, चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो आप देख सकते हो रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया गया है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और यहां पर पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं हमेशा कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे तमाम नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स माने जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका यूज काफी ज्यादा है, रैशनल का भी और इरेशनल का भी। तो सबसे पहले हम रैशनल को समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में कहा गया 2/3 इज अ रैशनल नंबर एज 2 and 3 आर इंटीजर्स एंड 3 नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहां पे 3 है, यानी कि जीरो नहीं है, और यहां पे वो यही लिख सकते हैं हम कि 3 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि फ्रैक्शन में आपको नजर आ रहा है ना, तो जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन में नजर आएगा वो आपको रैशनल नंबर हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड, 0 इज अ रैशनल नंबर, याद रखना, बहुत सारे बच्चों को यहां पे दिक्कत आती है कि 0 को क्या मानना चाहिए, तो यहां पे आप देख सकते हो एमसीक्यूज में काम आएगी ये चीजें सारी। 0 इज अ रैशनल नंबर्स एज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। सोचो अगर कोई भी नंबर है, अगर मैंने उसके नीचे मान लो अगर 1 लगा दिया तो आपका ये फ्रैक्शन में बन गया कि नहीं बन गया, और जैसे ही ये फ्रैक्शन में बन गया तो मैं कह सकता हूं कि ये रैशनल नंबर है, वेयर 0 एंड 1 आर इंटीजर्स एंड 1 नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे भी आप देख सकते हो 1 नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो -15 लिखा हुआ है, जस्ट ये इज अ रैशनल नंबर एज -15 कैन बी रिटन एज, -15 को भी नीचे 1 लगा के लिख सकते हैं, वेयर -15 एंड 1 आर इंटीजर्स एंड 1 नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे जिनका सिर्फ ऊपर का पार्ट दे रखा है, न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो याद रखना हम डिनोमिनेटर में 1 अपनी तरफ से लगा के उसको क्या बोल देंगे फिर, कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में एग्जांपल में आप देख सकते हो 1/5 है, 2/10 है, सॉल्व करेंगे ये भी 1/5 आएगा, 3/15 है, सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/5 आएगा, आर नॉन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये एक नई चीज है जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी शायद, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो
इसी चीज को कहते हैं, जहां पे 1/5, ये 2/10, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/5 आएगा, तो ये भी इसके इक्वल आ गया और ये पूरा भी इसके इक्वल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसमें भी आप नोट देख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि सभी के नीचे आप वन लगा देना, जैसे ही सभी के नीचे डिवाइड में आप वन लगा दोगे तो वो सारे के सारे फ्रैक्शन में बन गए, और फ्रैक्शन में बनते साथ ही हम उसे क्या कह देंगे कि वो रैशनल नंबर्स है। उसके बाद ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यहां तक कि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सबको भी हम क्या कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से आपने देख ही लिया कि जीरो को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो आप देख सकते हो -15 इंटीजर्स नेगेटिव में भी हो जाते हैं, पॉजिटिव में भी हो जाते हैं और जीरो भी हो जाता है। तो जितने भी सारे इंटीजर्स हैं, चाहे वो माइनस की वैल्यू से लेकर प्लस तक की वैल्यू के कोई भी नंबर हो, उन सबको भी हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन वहां पर भी लगाया जा सकता है। जैसे कि -15 एक इंटीजर है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके नीचे वन लगाया और वन लगाते साथ ही ये भी क्या बन गया, एक रैशनल नंबर्स बन गए। ठीक है, तो यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। जिन बच्चों को हो सकता है कि पहले ना आया हो समझ में, लेकिन अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर लेकिन फिर भी उनके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज की क्लास जो है वो सिर्फ बेसिक क्लास है, जिसमें आपका सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेन मोटिव मेरा ये है कि आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाए, उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज तो बड़े आराम से हो जाएगी मेरे से। इसलिए मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि चैप्टर शुरू करने से पहले उसके उसको उसका बेस तैयार किया जाए। जैसे ही आपका बेस तैयार हो जाएगा फिर आप आसानी से क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स की। आपने रैशनल नंबर्स अच्छी तरीके से समझ लिया कि वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q ≠ 0। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, इसका उल्टा कर दो, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q ≠ 0 इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। देखो आप, सेम डेफिनेशन है, बस यहां पे कैन नॉट आ गया। यानी कि ऐसे तमाम नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हीं सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, √2, √3, √5, √6, √21 आर इरेशनल नंबर्स। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे मान लिया गया, तो आपको मैं बता दूं, यहां पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर। अगर आपका रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर वो जो आपका खुद से कटता है, किसी और से नहीं कटता, सिर्फ अपने आप से कटता है, जैसे कि 3 हो गया आपका, 5, 7 हो गया आपका, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर ये रूट के अंदर आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्या माना जाएगा कि प्राइम नंबर, यानी कि इसे भी हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती है इसकी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप आगे देखो, एक तो ये हो गया कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यूज आ रही है तो उसे हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना वो ऐसे होने चाहिए रूट के अंदर। इसका दूसरा मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिनके स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाते हैं, जैसे कि √4 आपका 2 होता है, √16 आपका 4 होता है, √25 आपका 5 होता है,
तो मैं ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूं जिनके स्क्वायर रूट निकलते ही नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं ना, वो सारे इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपका रूट 17 यानी कि 17, तो रूट में अगर 17 लिखा हुआ है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। अब आप यहां पे जरा अच्छे से ध्यान लगाना कि ये बात क्या लिखी हुई है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते गए और डिवाइड करने पर बार बार आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आता ही जा रहा है, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, बचता ही जा रहा है, बचता ही जा रहा है। और दूसरी चीज, एंड नॉन रिपीटिंग। देखो, आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, डिवाइड करते टाइम आपका रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा, लेकिन हर बार जब आप निकालते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, तो उसमें रिमाइंडर भी आपके डिफरेंट आते जा रहे हैं। यानी कि एक बार अगर जो रिमाइंडर आ रहा है, अगली बार फिर कोई और आ गया रिमाइंडर, फिर ऐसे चेंज होते चले जा रहे हैं। तो जब हम इस चीज को बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और उसका रिमाइंडर भी रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि कई बार आ जाता है, बार बार डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वन आ रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है फिर रिमाइंडर वन आ रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। इरेशनल नंबर के केस में आप डिवाइड कर रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपका आते ही चला जाता है, और हर बार जो नंबर आता है वो डिफरेंट ही आएगा। यानी कि जब भी हम नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे और डेसिमल जो आएगा उसमें जो रिमाइंडर्स आते चले जाएंगे डिवाइड करते टाइम, वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट आता चला जाएगा, यानी कि चेंज होता हुआ आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इसके बारे में, करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके, इज नॉन एज इरेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 1.41, 2, 3, 5, 6, 7, आप देखो सारे नंबर्स डिफरेंट है। 2.10, 1001, 000, आप देख सकते हो पहले 10, फिर 100, फिर 1000, यानी कि इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं आगे। फिर 1, फिर 10,000, 4 0 आ जाएगी, फिर आगे 5 0 आ जाएगी, इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी आप देखो 0.12, फिर 1 2 2, फिर 1 2 2 2, और नेक्स्ट क्या होगा, फिर 1 2 2 2 2, यानी कि 4 times 2। ऑल द अबव डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जहां पे रिमाइंडर जीरो ना आए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि जहां पर आपका रिमाइंडर बार बार वो ना आए, डिफरेंट डिफरेंट आता चला जाए, तो उसको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं डेसिमल्स। एंड देयर फॉर दीज आर इरेशनल नंबर्स। अब बहुत बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई को क्या माना जाए, तो आपको मैं बता दूं नोट में, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए आपको ज्यादा अब इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना कि पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हम जानेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर वन, जिसमें लिखा है द सम ऑफ, आप प्रॉपर्टीज को थ्योरम की तरह ले सकते हो या फिर आप रूल्स समझ सकते हो इसे, ठीक है ना, कि इसके रूल्स क्या क्या हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स के। कहता द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। कहता है कि अगर आप किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हो तो यह जरूरी नहीं है कि उनको जोड़ने के बाद भी इरेशनल नंबर ही आए, कुछ और भी आ सकता है। यानी कि दो अगर इरेशनल नंबर हम लेके चल रहे हैं और उनको अगर हमने प्लस कर दिया तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों को प्लस करने के बाद भी इरेशनल नंबर ही आए, कुछ और भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल में सम ऑफ √3 एंड -√3, आप देखोगे ये भी एक इरेशनल नंबर है
और ये भी एक इरेशनल नंबर है, और मैंने क्या किया इन दोनों को प्लस कर दिया, तो रूट थ्री और यहां पे प्लस का साइन लगा दिया और ये माइनस में है, तो माइनस को ऐसे करके लिख दिया ब्रैकेट में। अब आप देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो आ गया, और हमने अभी ऊपर पढ़ा था पहले कि जीरो को रैशनल नंबर कहते हैं, तो आपने देखा विच इज अ रैशनल नंबर, तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स, ये सेम इसी का है, आप देख सकते हो यहां पे सम की बात हो रही थी तो यहां पे डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहां पे भी मैं आपको सेम यही बात कहना चाहूंगा कि यहां पे जो बात लिखी गई है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो नंबर्स को अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को अगर आप माइनस करते हो या उनका डिफरेंस निकालते हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर हो, वो इरेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल जहां पे मैंने एक ले लिया टू प्लस रूट सिक्स क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा मैंने ले लिया रूट सिक्स। अब आप देखोगे इनका डिफरेंस करना है आपस में, ये ध्यान रखना ये पूरा इरेशनल नंबर है, तो आप देखोगे टू प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स क्योंकि मैंने इसको माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो आप देखोगे रूट सिक्स से रूट सिक्स कट जाएगा तो आपके पास दो बचेगा, और दो को हम क्या कहें क्या कहेंगे रैशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे वन लगा के इसे हम क्या बना सकते हैं रैशनल नंबर इसे बना सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री जो आती है उसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता प्रोडक्ट का मतलब तो मैं बता दूं कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आपस में इनटू। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। फिर से मैं आपको यहां पे वही बात कहना चाहूंगा कि अगर दो इरेशनल नंबर्स का आप आपस में प्रोडक्ट करते हो यानी कि मल्टीप्लाई करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आए वो भी एक इरेशनल नंबर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एक मैंने ले लिया नंबर रूट फाइव क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, और एक ले लिया माइनस रूट फाइव, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो आपने देखा इन दोनों की आपस में इनटू कर दी, माइनस का साइन यहां आ गया। अब ये बात तो आप सभी को पता होगा कि रूट फाइव की रूट फाइव से जब इनटू करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा पांच बचेगा, और पांच बचेगा और साथ में माइनस लगा ही हुआ है, तो आपको पता है कि ये भी एक रैशनल नंबर माना जाएगा नीचे वन लगा के। ठीक है, अब आपको ये बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको बता दूं रूट फाइव की रूट फाइव से जब इंटू करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं रूट फाइव का स्क्वायर, और माइनस चल ही रहा है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पांच। ठीक है, तो आपको यहां पे बात समझ में आ गई कि यहां पे भी क्या चीज होती है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में जो बात बताई गई है उसमें यह है द डिविजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो आपने देखा पहली प्रॉपर्टी में प्लस की बात हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी में माइनस की बात हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी में आपकी जो बात हो गई यहां पे वो बात हो गई प्रोडक्ट की यानी कि मल्टीप्लाई की, चौथी प्रॉपर्टी में आपकी बात हो रही है डिवाइड की, तो यही तो चीज होती है मैथ्स में। ठीक है, तो आगे देखोगे आप इसमें भी सेम वही चीज है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। आपने देखा थ्री रूट टू और एंड रूट टू इनको आपस में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या करा डिवाइड में रख दिया इन्हें, रूट टू से रूट टू कट गया, तो आप बताओ आपके पास क्या रह गया सिर्फ थ्री, और जो कि एक क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइव प्रॉपर्टी की, फाइव सिक्स सेवन एट इन प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहां तक की शुरू की चार आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब यहां से थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग। वहां पे अभी तक मैंने शुरू की चार प्रॉपर्टीज में टू इरेशनल नंबर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं, जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं उसमें आप देख सकते हो टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स,
उससे पहले भी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें भी टू इरेशनल नंबर्स लिखा हुआ था, टू इरेशनल नंबर्स लिखा हुआ था। अब मैं पांचवी आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को एक रैशनल नंबर मिलेगा और एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो देखो, द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यहां पे आप समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि अगर एक आप रैशनल नंबर ले लेते हो और एक इरेशनल नंबर ले लेते हो और इन दोनों को आपस में प्लस करते हो तो रिजल्ट भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो देखो, टू है और रूट थ्री है, टू आपका रैशनल होता है, रूट थ्री आपका इरेशनल होता है, और इन दोनों को मैंने प्लस किया तो टू प्लस रूट थ्री हो गया विच इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे डिफरेंस में आ जाओ, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यानी कि अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर आपस में डिफरेंस निकाला जाएगा तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। आप शुरू की चार प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई और अब जो बाद की चार बता रहा हूं इनमें यही फर्क है, ठीक है ना। शुरू की चार प्रॉपर्टीज में हमने दोनों ही इरेशनल नंबर लेके चल रहे थे, लेकिन अब जो हम लेके चल रहे हैं एक रैशनल और एक इरेशनल। तो आपने देखा यहां पे भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, टू एक रैशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल है, इनको माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल होगा। सेवन में आप देख सकते हो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यानी कि यहां पर भी सेम वही चीज आ गई कि अगर आप एक रैशनल नंबर ले लेते हो कोई सा भी, मान लो इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम, इसमें ले लिया हमने टू, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हो तो हमने ले लिया रूट फाइव, और इन दोनों की अगर आपस में इनटू करोगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी कि टू रूट फाइव मल्टीप्लाई करके क्या माना जाएगा, ये टू रूट फाइव, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छी तरीके से? अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आपको पता है ना वीडियो के एंड में आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट्स में करके बताना है कि आप लोगों को कितना अच्छी तरीके से समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप वो भी बता सकते हो, और अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एट प्रॉपर्टी की, द डिविजन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। सेम वही चीज है, आपने देखा दो नंबर ले लिए, एक फाइव ले लिया और एक रूट फाइव ले लिया, तो यहां पे आपने डिवाइड में रख दिया इन्हें आपस में, फाइव अपॉन रूट फाइव कर दिया आपने, और आपको पता है कि ये यहां पे रैशनलाइज किया गया है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि रैशनलाइज किसे कहते हैं हम, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि ये आपके इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, ठीक है ना, इसे हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि यहां पर भी जब आप डिवाइड में रखोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि रूट फाइव को यहां लिख दो, इसे आप मान लो इरेशनल को, तो आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट जो आएगा रूट फाइव आ जाएगा, और रूट फाइव भी आपका एक क्या माना जाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि यहां तक आप लोगों को आठ तक की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ और नंबर्स की जो रह गए। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इरेशनल नंबर का था, जितना ज्यादा मैंने आपको डिटेल में बता दिया ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये एक तरीके से आप नोट्स समझ लो जो बन चुके हैं, और आप इसी की हेल्प से सारे क्वेश्चंस कर लोगे चैप्टर के, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, और आखिरी में एक दो नंबर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, फिर उसके बाद आपकी आज की क्लास का यानी कि आज के वीडियो का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और नंबर्स। चलो अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। आपने देखा होगा फ्लो चार्ट में मैंने रियल नंबर्स भी बताए थे आपको, तो आप देख सकते हो लिखा हुआ था ना रियल नंबर्स, तो हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि सिंपली आप ऐसे समझ लो कि अगर सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आपस में मिला दिया जाए तो ये आपके रियल नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि जितने भी सारे ऐसे नंबर जो रैशनल है
और जितने भी सारे ऐसे नंबर जो इरेशनल है, इन दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए तो बन जाते हैं आपके क्या, रियल नंबर्स। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, फिर उसी के साइड में आप लोगों ने नंबर्स के साइड में आपने देखा होगा इमेजिनरी नंबर्स भी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम डिटेल में अगर क्लासिफिकेशन करें उसका, तो वो ऐसे ही होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो जो नॉट डिफाइन होते हैं। यानी कि अ नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट, एग्जाम्पल आप देखो, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। आपने कभी भी नहीं देखे होंगे 8th क्लास तक, आपने कोई ऐसा नंबर नहीं देखा होगा जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम रियल नंबर्स नहीं कहते, और ऐसे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफी है, जो मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें समझाई हैं, तो अगली क्लास यानी कि जब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आपसे इन्हीं चीजों के बारे में कुछ बातें पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना, और आप कमेंट करके भी मुझे बताना कितने बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अगली क्लास, अगली वीडियो जब भी आप लोगों का होगा, उससे पहले आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हम NCERT की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।